है शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं मनीष, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों अभी प्रीमियम जो वीडियो आपने देखा काफ़ी ईजी रेटिंग है, और कई दिनों से एक फ्रेंड बोल रहे थे कि इसका प्रीसेट होना चाहिए। मैंने बोला था कि काफ़ी ईजी रेटिंग है, फिर भी वो बोले कि आप ट्यूटोरियल बता दीजिए और प्रीसेट दे दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इसी यही मेरा तो यही काम है आप लोगों का हेल्प करना। तो प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट अगर आप एडिटिंग देखते हैं तो काफ़ी ईजी आप स्मूथली कर सकते हैं। तो चलिए हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, देन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे प्लस के आइकन पे टाइप कीजिएगा, स्क्वायर साइज वाला एसओ सेलेक्ट कीजिए, रेजोल्यूशन 1080 रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड बैक का क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑडियो में जाइए, जो भी सॉन्ग पे स्टेटस बनाना चाहते हैं सॉन्ग को ले लीजिए, जितना टाइम रखना चाहते हो उतना टाइम रख के जो एक्स्ट्रा होगा कट कर दीजिएगा। फिर स्टार्टिंग में अगर प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ मीडियम चले जाइए, मीडियम जाने को जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने पिंस फाइल से एक फोटो को ले लेता हूँ, मैंने यहीं से डाउनलोड किया। तो इसे लेने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे, पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। पिक्चर को आप एडजस्ट कर लीजिए, जितना पे रखना चाहते जैसे भी रखना चाहते आप रख लीजिएगा, मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। अब प्लस के आइकन पर क्लिक करके रेक्टेंगल सेलेक्ट कीजिएगा, ये वाला शेप जो चार फोट वाला शेप देख सकते हैं इसे, और यहाँ से बॉर्डर शैडो में जाकर बॉर्डर को ऑन कर दीजिएगा। बॉर्डर को ऑन करने के बाद इसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, तो मैंने 7.0 रखा था। इसका कलर मैं यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ, आप जो भी कलर रखना चाहे रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाइएगा, बैक आने के बाद कलर फिल में जाइएगा, और यहाँ से ये वाला कलर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके और इसे ट्रांसमिट कर दीजिए, तो इसका कलर यहाँ से गायब हो जाएगा कुछ इस तरह से। फिर यहाँ से बैक आइएगा, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाकर जूम पे जाइएगा और इसे इस तरह से जूम कर लीजिए, जितना पे रखना चाहे उतना पे रख लीजिएगा, स्क्रीन पे टैप कर दीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में जाने के बाद इमोजी पे क्लिक कीजिए, जो भी इमोजी आप यहाँ पे लेना चाहे उसे ले लीजिए। तो चलिए तब तक मैं इसे ले लेता हूं, अलाइन करके रोबोट लेवल पे क्लिक करेंगे, आईओएस वाला फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना रखना हो, बड़ा करना हो, छोटा करना हो, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। कलर पर क्लिक करके इसका कलर यहाँ से ट्रांसमिट कीजिएगा और राइट क्लिक कर लीजिएगा, देन यहाँ से इसे लेकर ऊपर वाले यहाँ पे रख लीजिएगा कुछ इस तरह से। फिर इसी का एक तो डुप्लीकेट कर लीजिएगा, डुप्लीकेट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा और इसे नीचे वाले पे रख लीजिएगा इस तरह से। आप चाहे तो यही इमोजी रहने देना दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ से आपको इसे चेंज कर लेना, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ, परफेक्टली यहाँ पर यह चेंज हो गया, देख सकते कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और काम कीजिएगा, ये इमोजी का शैडो ऑन कर दीजिएगा, मैं इसे ऑन करना भूल गया। तो बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और इसका शैडो यहाँ से ऑन कर देंगे कुछ इस तरह से। कलर आप चाहे तो शैडो का चेंज भी कर सकते हैं, मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। फिर नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और बॉर्डर एंड शैडो में जाकर शैडो को इनेबल कर देते हैं, परफेक्ट इसका काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप फ्रेंड्स एक और काम कीजिएगा, यहाँ पर एक शेप और आप ले लीजिएगा, तो प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करना दिए वाला शेप आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसका जो साइज है तो एडिट शेप में चले जाइएगा और यहाँ से एक्स जो है, सॉरी गाइस थोड़ा सा मैसेज आ रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ शेप लेने के बाद इसका साइज जो है एडिट शेप में आ जाइएगा, साइज जो इसका है आप 300 प्लस कर लीजिएगा, तो टेक्स्ट एडजस्ट करने के लिए हमें आसानी होगी। और इसका जो वाई है इसे थोड़ा कम करके 75 मैंने रखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। देन यहाँ पे रेडियस जो इसका देख सकते हैं इसे मैंने 40 रखा था, इसे थोड़ा गोला हो जाएगा, यहाँ पे 40 रख लीजिएगा, आप भी रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से बैक आइएगा और कलर इसका यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, देन यहाँ से बैक आ जाइएगा, बैक आने के बाद इसे नीचे की तरफ रख लीजिएगा, जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहे कर लीजिएगा, और साइज वगैरह आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। और अगर इसका साइज आप बढ़ाना चाहे तो इस तरह से स्क्रॉल करके भी आप खींच के भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं मैं फिंगर की मदद से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद इसे जहाँ पर भी आप रखना चाहे रख लीजिएगा, एकदम सेंटर में ही रख लेते हैं इस तरह से, यहाँ से रेड लाइन के साथ में सेंटर में, ठीक है। देन यहाँ से बैक आइए, बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसका शैडो जो ऑन कर लीजिएगा, इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, कलर इसका जो है वाइट रख लीजिएगा। नीचे आइएगा और यहाँ पे इसका पोजीशन जो है इसके एक्स वाई को जीरो कर लीजिएगा कुछ इस तरह से यहाँ से, और इसे भी यहाँ से इस तरह से, तो हमारा जो ये शैडो है अच्छे से दिखेगा। वैसे मेरा जो नीचे बैकग्राउंड इमेज है वो भी वाइट है, तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसका शैडो का कलर जो है हम चेंज कर देते हैं, दूसरा सा रख लेते हैं ये वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे सही लग रहा है, परफेक्ट। अभी यहाँ पे एक और काम कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इस पर एक इमोजी लगा लीजिएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहीं से एक इमोजी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी लिया और फिर यहीं पे पेस्ट लेयर कर लेते, ऊपर आ गए, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसे और इसे लेकर हम आ जाएंगे यहाँ पे और इस इमोजी को चेंज कर देंगे। तो यहाँ से बैक आते हैं एडिट में जाकर, यहाँ से इसे चेंज कर देंगे और जो भी इमोजी आप यहाँ पे लगाना चाहे उसे लगा लीजिए। तो मैं एक बटरफ्लाई यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है, बटरफ्लाई इस साइड में होगा,
तो फ्रेंड्स ये वाला बटरफ्लाई मैं ले लेता हूँ। इसका कलर ऑटोमेटिक आईओएस वाला फोन टॉप सेलेक्ट करके रखिएगा तो ये आ जाता है, चेंज हो जाता है। मोबाइल ट्रांसफॉर्म में जाइएगा और रोटेट वाले ऑप्शन पर जाकर इसे 20 में यहाँ पे 20 प्लस में रोटेट कर लीजिए कुछ इस तरह से। साइज अगर बढ़ाना चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लीजिएगा। और यहाँ से बैक आकर इसका जो बोर्ड है शैडो में जाइएगा, शैडो इसका जो है व्हाइट कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कर लीजिएगा। और जो जैसे वैसे छोड़ सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसका एक्स वाई आप जीरो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, जीरो ही कर देते हैं एक्स वाई दोनों, ठीक है, एक्स वाई दोनों यहाँ पे जीरो कर देते हैं। और इसका भी कलर आप बैकग्राउंड में जो कलर दिए थे वही कलर दे देंगे ये वाला, ठीक है। और इसे थोड़ा हार्ड कर देते हैं ताकि दिखे, अभी यहाँ पे सही लग रहा है, देख सकते हैं मैच कर रहा है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसका जो है पूरा लास्ट में आ जाना है और ये सभी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने बाद ये वाली ऑप्शन टैप कीजिएगा, सब लास्ट तक आ जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। अब आप स्टार्टिंग में आ जाइएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कीजिएगा, प्लस के आइकन पे थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन ये कर लीजिएगा, कलर में जाकर इसका कलर यहाँ से ब्लैक कीजिएगा। इन्हें से बैक आइएगा, ब्लेंडिंग में जाकर इसका जो ब्लेंडिंग ऑपेसिटी है इसे 50 रख लीजिएगा कुछ इस तरह से। इन्हें यहाँ से बैक आ जाइएगा, इफेक्ट में जाकर एड इफेक्ट में जाइएगा, ऑपेसिटी विजुअलिटी में जाइएगा, यहाँ पे फ्लिकर सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर दीजिएगा। देन यहाँ से बैक आइएगा, लास्ट में आकर इस वाले को सेव को सिलेक्ट करके ये घड़ी वाले आइकन पे क्लिक करके इसे लास्ट तक खींच लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ब्लिंक करेगा, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से ब्लिंक कर। आप चाह रहे हैं कि इससे और भी हार्ड हो तो आप सिर्फ इसका ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, जितना भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, तो ये और भी हार्ड यहाँ पे ब्लिंक करेगा, देख सकते हैं। अब हमारा लास्ट काम है टेक्स्ट का, लास्ट काम है तो आपको क्या करना है, इसे एक बार प्ले करके सुन लेना है कि वर्ड क्या है, आपका लिरिक्स का वर्ड क्या है। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट हो रहा है शाम तू, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे है शाम तू, परफेक्ट अलाइन करेंगे। रोबोट वाले पे क्लिक करके व्यू ऑल में जाइएगा, यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक कीजिएगा और नीचे इंपोर्ट फॉन्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन आपका फॉन्ट जो होगा उसे आपको ले लेना है, तो मैंने फॉन्ट रखा है मेरे एक फाइल में, तो यहीं से मैं फॉन्ट को ले लेता हूँ, इस फाइल में होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे होगा कि एक ही बार में हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फॉन्ट का नाम है आर्ट लाइन, ठीक है, TTF सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा आर्ट लाइन, ठीक है, ये देख सकते हैं आर्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे गूगल पे लिख के और इसके साथ में TTF आपको लगाना है, फॉन्ट मिल जाएगा। अब इसे ले लीजिएगा, लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कर लीजिएगा, देन राइट क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स राइट क्लिक करने के बाद इसे आपको इस साइड में यहाँ पे लेकर आ जाना है और जूम करके आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि कितना आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो इस तरह से हम इतना रख लेते हैं। और प्ले करके एक बार सुन लीजिएगा कि ये लिरिक्स कहाँ तक है, शाम तू यहीं तक है, तो इसलिए यहाँ पे आते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक है यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा बच गया उसे कट करेंगे, इसी का एक तो डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट वाले को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, देन यहाँ पे जो लिखा उसे क्लियर कर देंगे, एक इमोजी यहाँ से हम ले लेंगे जो भी इमोजी आपको सही लगे। और इसका जो फॉन्ट है IS वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन साइज आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कलर पर जाकर इसका कलर यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देंगे, देन राइट क्लिक कर लेंगे। अब इसे आप एडजस्ट कर लीजिए जहाँ पर भी रखना चाहे, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब ये दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करके इसका ग्रुप बना लीजिएगा, ठीक है। अब ग्रुप जब ये बन जाए तो आपको इसके दरमियान में आ जाना बीचों बीच, और यहाँ पे मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की लगा देना है, फिर इस साइड में आकर एक की लगाइएगा और इसे मूव कर दीजिएगा इस साइड में इस तरह से, इतना पे सही रहेगा। डेड लाइन के साथ में रखिएगा, एकदम डेड लाइन जो यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ में रखिएगा, ठीक है, इस तरह से एकदम सेंटर में रहेगा। फिर दूसरी साइड में जाइएगा और यहाँ पे भी प्लस कीजिएगा और इसे इस साइड में खींच लीजिएगा, इतना सही है। अभी दोनों के बीच में आ जाइएगा, दो की जो लगा हुआ है इसके बीच में, और ये वाले ऑप्शन टैप करके इसे इतना पे रख लीजिएगा और इसे इतना पे रख लीजिएगा। थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी कर्व कीजिएगा, दूसरी साइड में आकर थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर्व कर दीजिए और इसे फ्लिप कर दीजिए नीचे की तरफ कुछ इस तरह से। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक और काम कर लीजिएगा, इसे सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाइएगा, एड इफेक्ट में जाइएगा, यहाँ पे आप सिटी विजुअलिटी को सेलेक्ट करके और फीड इन आउट का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, देन यहाँ से बैक आ जाइएगा। अब प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो फर्स्ट लाइन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है इसे फिर सेलेक्ट करके ये वाले ऑप्शन टैप कीजिए, कॉपी लेयर कर लीजिएगा, देन इसके लास्ट में आकर ये वाले ऑप्शन टैप करके यहाँ पे पेस्ट लेयर कीजिएगा, देन प्ले करके सुन लीजिएगा सेकंड लाइन इसका वर्ड कहाँ तक है। तारीफ में यहीं तक है थोड़ा सा है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे घड़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पे और ये वाले ऑप्शन टैप कर देंगे जो एक्स्ट्रा कट जाएगा। और यहाँ पे जो आपका लिरिक्स का वर्ड है उसे प्ले करके सुन लेना और टाइप कर लेना, तारीफ में या मैं पता नहीं, इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, जो लिखा हो उसे क्लियर कर देंगे यहाँ से और टाइप करेंगे तारीफ में, चलिए मैं ही टाइप करता हूँ क्या था मुझे नहीं मालूम। और राइट क्लिक करेंगे, इमोजी को सिलेक्ट कीजिएगा, और इमोजी आप चेंज करना चाहे तो इसे सिंपली यहाँ से कट कीजिएगा और दूसरा जो इमोजी लगाना चाहे लगाकर राइट क्लिक कीजिएगा और इमोजी को टेक्स्ट के साथ में यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, देन यहाँ से बैक आ जाइएगा। अब आप देखेंगे प्ले करके तो आपका सेकेंड लिरिक्स भी कंप्लीट है।
ठीक है। इस तरह से आपको पूरा लिरिक्स कंप्लीट कर लेना है, देन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप कोई पार्टिकल वगैरह देना चाहे तो दे दीजिएगा, अदरवाइज ऊपर एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी, सोच वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।